एवरीवन, आज का हमारा पाठ है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। इस पाठ में यहाँ पर रामचंद्र जी जब शिव जी का धनुष तोड़ देते हैं और परशुराम जी को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि शिव जी के वो परम भक्त होते हैं और इसी पर आधारित है यह पाठ। जब लक्ष्मण जी को गुस्सा आ जाता है परशुराम के कटु वचनों को सुन करके, तो पाठ का जो पहला प्रश्न है वह है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद किसकी रचना है, तो तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया है। यह है जो है संवाद किस पुस्तक से लिया गया है, रामचरितमानस से लिया गया है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद कविता कौन से कांड से ली गई है, बालकांड से ली गई है। बालकांड में रामचंद्र जी के बालकपन का वर्णन मिलता है। राम ने किसका धनुष तोड़ा था, शिव जी का। तुलसीदास का जन्म कौन से सन में हुआ था, सन 1532 में इनका जन्म हुआ था। तुलसीदास का देहांत कौन से सन में हुआ था, इनका देहांत हुआ था सन 1623 में। कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है, तो कवितावली भी नहीं है, विनय पत्रिका भी नहीं है, कृष्ण गीतावली भी नहीं है, साहित्य लहरी इनकी रचना नहीं है, बाकी तीनों हैं। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद कविता की भाषा कौन सी है, अवधि। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद कविता के छंद हैं दोहा और चौपाई। सुनी रिसाई बोले मुनि कोही में कोही का क्या अर्थ है, कोही का यहाँ पर अर्थ है परशुराम। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद कविता की शैली कौन सी है, तो शैली जो है वो है व्यंग्यात्मक। नाथ शंभुधनु भंजन निहारा में नाथ कौन है, तो यहाँ पर परशुराम है। शिवधनुष तोड़ने वाला परशुराम का किसके जैसा शत्रु है, वो कहते हैं कि मेरा सहस्र बाहु के समान शत्रु है। वह धनु ही तोरी लड़िकाई, किसने ऐसा किया था, लक्ष्मण ने ऐसा किया था। तुलसीदास ने भृगुकुल केतु शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया है, परशुराम जी के लिए प्रयुक्त किया है। रेन रिप बालक काल बस, यहाँ पर देखो नृप बालक जो होता है राजा का बालक है, यानी कि परशुराम जी यहाँ पर लक्ष्मण को कहते हैं कि हे राजा के बालक, तुम तो काल के वश में हो गए हो, यानी कि अब तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। काछति लाभ जून धनु तोड़े, जून का क्या अर्थ है, जूने का अर्थ होता है पुराना। कुम्हड़ बतिया का यहाँ क्या अर्थ है, बहुत कमज़ोर जो लोग होते हैं उसे कुम्हड़ बतिया कहा जाता है। महीसुर कौन होता है, महीसुर ब्राह्मण होता है। कुलिस सम वचनों कैसे होते हैं, कठोर वचनों को कुलिस के समान वचन कहा जाता है। कौशिक सुनहु मंद येहु बालक में कौशिक कौन है, यहाँ पर विश्वामित्र को कौशिक कहा है। काल कवलू होता है, काल कवलू कहते हैं मृत व्यक्ति को, जो मर जाता है उसे कहा जाता है। तुलसीदास ने गाधी सुनु शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया है, यहाँ पर गाधी सुनु जो है विश्वामित्र जी को कहा है। विप्र विचारी बचाऊ नृप दोही में कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। राम ने लक्ष्मण को कैसे रोका, उन्होंने इशारे से रोका था। राम ने किसके जैसे शब्द कहे, उन्होंने शीतल जल के जैसे शब्द कहे थे। कृषाणु किसे कहते हैं, कृषाणु आग को कहा जाता है। युद्ध भूमि में शत्रु को सामने देखकर अपने यश का गान कौन करता है, सिर्फ कायर जो लोग होते हैं वही युद्ध भूमि में शत्रु को देख करके अपनी तारीफ किया करते हैं, यश गाया करते हैं। अरे करनी करे करे लड़ाई में कौन सा अलंकार है, यहाँ पर देखो अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि क वर्ग की आवृत्ति हो रही है। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा में कौन सा अलंकार है, यहाँ पर उपमा अलंकार है। परशुराम ने राजाओं से अनेक बार भूमि जीतकर किसको दे दी, ब्राह्मणों को दे दी। नेक्स्ट प्रश्न है परशुराम ने गुरुद्रोही किसे कहा है, गुरुद्रोही यहाँ पर शिव धनुष तोड़ने वाले को कहा है। आप इन क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट लेकर के नोट्स बना सकते हैं और आपको इससे पढ़ने में आसानी रहेगी। युद्ध में रिपु के सामने अपने प्रताप का बखान कौन करता है, कायर करता है।
गर्भिणी के अर्भक दलन, यहाँ पर अर्भक का अर्थ है बच्चा। तुलसीदास के अनुसार कुमारवतियाँ किसे देखकर मुरझाती हैं? तर्जनी को। तर्जनी का मतलब होता है अंगुली को, अंगूठे के पास वाली जो अंगुली होती है उसे तर्जनी कहा जाता है। परशुराम ने लक्ष्मण के लिए किन किन शब्दों का प्रयोग किया? कुटिल, निजकुल, फुखालक, कालवश, ये सभी शब्द उन्होंने प्रयोग में लाए थे। देखिए, कुठार सरासन माणा में, कुठार का अर्थ है कुल्हाड़ा, जो फरसा वो मारने के लिए रखते थे, फरसे के आकार का एक जो मारने का कुल्हाड़ा रखते थे उसे कुठार बोला है। रण में रिपु को पाकर अपने प्रताप का बखान कौन करते हैं? काया लोग करते हैं। क्षत्रिय कुलद्रोही कौन थे? क्षत्रिय कुलद्रोही परशुराम थे। धराही के बाढ़े किसे कहा गया है? ब्राह्मण देवता यानी द्विज देवता को कहा गया है। त्रिपुरारी शब्द का क्या अर्थ है? त्रिपुरारी का अर्थ होता है शंकर भगवान। बाल ब्रह्मचारी कौन थे? परशुराम जी। परशुराम लक्ष्मण का वध क्या समझ करके नहीं करते हैं? बालक समझ करके। कुमारवतियाँ किसे देखकर मुरझाती है? कुमारवतियाँ तर्जनी को देख करके मुरझा जाती हैं। ये सब जो हैं आज मैंने आपको व्याख्या के सहित इस पाठ के मल्टी चॉइस क्वेश्चंस बताए हैं, और आप स्क्रीनशॉट लेकर के इनके नोट्स बनाइए ताकि आपको एक भी प्रश्न जो है समझ आने से ना रह जाए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, साथ ही बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कोई भी ऐसा चैप्टर आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग अगेन।